हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार फाइनली हम लोग यूएसबी 4 पोर्ट को टाटा बाय बाय गुड बाय कहने वाले, क्योंकि आज हम लोगों को इसमें इसका कोई काम नहीं और फिर भी हम लोग कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर को खेलने वाले। तो करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। तो अमेज़न वालों ने स्कैम तो नहीं कर दिया, तो यहाँ से करते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ एंड कट करने के बाद यार बहुत बड़ा बॉक्स दे देता है यार, बहुत छोटा सा सामान है और इतना बड़ा पैकेजिंग कर देता है। तो यहाँ से अभी हम लोगों का देखो यार कितना छोटा सा बॉक्स निकला। तो यहाँ पे हम लोगों का ये फाइनली वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस अनबॉक्स हो चुका है जो ज़ेब्रोनिक की तरफ से। अरे भाई ये तो उल्टा है, तो जो ज़ेब्रोनिक के साथ आता है, तो ज़ेब्रोनिक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो फाइनली हम लोगों का यहाँ पे अनबॉक्स हो चुका है। और यहाँ पे कुछ इसका की फीचर्स में हाईलाइट यहाँ पे करा देता हूँ। ऐसे तो हम लोगों को इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट गेम प्ले से मतलब है। तो यहाँ से इन सभी को करते हैं स्लाइड और पटक से इसके अंदर से अपना कीबोर्ड एंड माउस को निकाल लेते हैं। तो खोल लेते हैं डब्बे को और देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का ऐसा दिखेगा, कीबोर्ड एक साइड और माउस एक साइड पे रखा हुआ। तो यहाँ से जो आप लोगों को पता है कि वायरलेस है, तो इसमें वायर का कोई झंझट है ही नहीं। तो ये निकल गया हमारा कीबोर्ड एंड यहाँ से निकल गया माउस और डब्बा हो गया पूरा खाली। यूजर मैनुअल बस अभी बाहर गया है घूमने के लिए, घूम घूम के फिर से डब्बे में आ जाएगा। यार ज़ेब्रोनिक वालों कितना पैसा बचाओ यार, यूजर मैनुअल तो दिया करो इसमें। तो यहाँ पे अब हो गया डब्बा खाली। ये रहा हमारा माउस जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है यार, मतलब इतना हल्का माउस आज मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ यार, बहुत हल्का है। और यहाँ पे अगर कीबोर्ड की बात करें तो यार ये भी बहुत लाइट वेट है, बट मुझे ये इसमें एक प्रॉब्लम लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भाई ये टेबल पर से खिसकने लगे। तो इसका रबर भी चेक करेंगे। और यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस अगर बात की तो यार बहुत ज्यादा हल्का है और लुक वाइज बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लग रहा है इसमें पेंसिल वाला बैटरीज भी लग सकते हैं, तो इसको भी देखेंगे। और कीबोर्ड का लुक से यार नेक्स्ट लेवल लुक है, तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। और पहले सबसे पहले तो यार माउस के अंदर से बैटरी, इसमें तो बैटरी नहीं है क्या, तो यहाँ से करते इसको ओपन। भाई साहब इसमें बैटरी दिया ही नहीं ज़ेब्रोनिक वालों, बैटरीज दिया मिल तेरा बाप भरेगा। तो यार यहाँ पे अब तो इन्होंने बैटरी तो दिया नहीं, तो यार अब हम लोग क्या कर सकते हैं यार, बैटरी का उपाय खुद ही से करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड में भी चेक कर लेते हैं। और इसका रिसीवर भी नहीं है यार, इसका रिसीवर भी इसमें नहीं मिला और माउस में तो था नहीं, तो यहाँ पे कीबोर्ड चलो यार रिसीवर, कम से कम रिसीवर तो दिया साथ में। तो यार यहाँ पे रिसीवर मिल चुका है और कीबोर्ड में रिसीवर कौन रखता है यार, माउस में जब जगह बना हुआ है तो कीबोर्ड में रिसीवर कौन रखता है। लग रहा है यार कि मतलब ज़ेब्रोनिक वालों का दिमाग डायरेक्ट घुटने में आ गया है। तो यहाँ पे अभी इसको भी करते हैं। तो यहाँ से तो हम लोगों का बैटरी मिला नहीं, तो बैटरी को उपाय करके फिर से आते हैं। 2000 years later. बहुत मुश्किल से पड़ोसी ये रिमोट की बैटरी को चुरा कर लाया और यहाँ पे हम लोग एक जो बैटरी है उसको बाय करना ही पड़ा, क्योंकि घर ही तो लगा हुआ था लेकिन उसमें से नहीं निकाल सकते, ये ऑलरेडी रिमोट से निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी को बाय कर लिया है। तो यार सब मजाक कर रहा हूँ यार, रियल मत मान लेना। तो यहाँ पे आपको एक OTG केबल की जरूरत पड़ने वाली है और आपका फोन OTG सपोर्ट होना चाहिए। तो चलो बैटरी को लगाते हैं इसमें और करते हैं टेस्ट। ज़ेब्रोनिक वालों ये देखो, ये रहा इसका रिसीवर रखने का जगह, कहाँ कहाँ रख देते हो, कैसे गुंडा बनेगा रे तू। तो यहाँ पे हम लोग देखो अब इसको करते हैं रिमूव और यहाँ पे आप लोगों को डबल बैटरीज लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को माउस में एक नीचे साइड पे एक बैटरी को लगा देना और आप लोग सीधा सीधा बैटरी लगाना, ओके इसमें गलती मत करना। और उसके बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गया, फिर से ऑफ हो जाएगा सेंसर का। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर वाला जो कैप है उसको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटक से इसको लगा देता हूँ। तो यार क्या हो रहा है मेरे साथ, चलो ये लग गया। तो यहाँ पे इसको तो लगा दिया, अब यहाँ पे करते हैं पहले कीबोर्ड में इसका जो बैटरी है वो भी कीबोर्ड में भी लगा देता हूँ। तो कीबोर्ड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहा इसका कैप, तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे भी इसका बैटरी को यहाँ पे फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद इसमें इसको भी कैप लगा देते हैं। बस इसका ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये वाला जो बैटरी अगर ये ख़राब भी हो जाए, इसमें लो हो जाए, तो यहाँ पे बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अगर वो दूसरा वाला होता है तो उसमें यार बहुत पूरा खोल के उसके अंदर का बैटरी को चेंज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखो इसका रिसीवर, जैसे ही हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं और ये टाइट रिसीवर है, मतलब इसमें आपका कोई इशू नहीं होगा। और उसको अपने OTG कनेक्ट करके आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि अब मेरा जो कीबोर्ड है उसमें भी लाइट आ चुका है और मेरा माउस का कर्सर भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो दोनों एक साथ कनेक्ट हो चुका है। हो गया ना सारा प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे आपको 4 पोर्ट का कोई जरूरत है ही नहीं। और अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है
यार क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि 150 के जल्द से जल्द हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कैमरा एंगल को भी चेंज कर लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फ्री फायर को प्ले, वो भी पांडा माउस प्रो के जरिए। तो यहाँ पर अभी वन डिवाइस कनेक्टेड है, पता नहीं गेम के अंदर दोनों कीबोर्ड एंड माउस काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वन डिवाइस कनेक्टेड है। तो चलो यार चलते डायरेक्ट गेम के अंदर और टेस्ट करते कि यार मेरा कीबोर्ड एंड माउस दोनों एक साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे मैंने इस पे ऑलरेडी फुल वीडियो बनाया हुआ है ट्यूटोरियल का, कि कैसे आप लोगों को प्ले करने, ऊपर आई बटन में आ रहा हुआ वहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने इस पे की मैपिंग भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी ऊपर आई बटन में आ रहा हुआ, वो भी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अभी गेम में आ गया, और यहाँ पे यार कीबोर्ड एंड माउस दोनों इसमें परफेक्ट वर्क कर रहा है यार, मतलब थोड़ा सा भी इसमें महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी डिले नहीं हो रहा है, और एकदम क्लिकी भी मस्त हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि मेरा जो एक आइकन यहाँ पे बन के आ रहा है ब्लैक कलर का एंड वाइट कलर का, तो यार तुम हैक वैक का यूज़ नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ओनली फॉर मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मेरा जो बैक बटन है फ़ोन का वो मेरा वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अभी गेम प्ले देखने के बाद आप लोग यही बोलोगे यार क्या तुम हैक वैक यूज़ करते हो क्या, यार तुम्हारा भाई का गेम प्ले है ही इतना ओपी, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो बॉट था, बॉट हूँ और बॉडी चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका जो गेम प्ले वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जा रहा है। बस इस कीबोर्ड का मुझे एक बात बहुत फालतू लगा, इसका जो बिल्ड है वो पूरा फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, और प्लास्टिक होना ही चाहिए, बट इसका जो नीचे का बेस है उसमें यार रबर थोड़ा सा भी नहीं है। और यहाँ पे जब आप लोग खेलते हो और आपका हैंड मूव करता है तो यार आपका जो कीबोर्ड है वो स्लिप मार जाता है। अगर आपका फुल साइज कीबोर्ड है तब आप लोग इस कीबोर्ड एंड माउस के साथ जा सकते हो। तो यार ज़ेब्रोनिक आप ये सुधार करो कि इसमें इसके नीचे जो है वो रबड़ बेस जरूर लगा लो, जिससे आपका ये जो कीबोर्ड है वो स्लिप ना करे। तो अभी आप लोग देख रहे हो यार स्लिप करते करते ये मोबाइल के अंदर स्टैंड के अंदर घुस गया, तो यार इसी तरीके से आपका भी हो जाएगा, क्योंकि यार इसके अंदर पूरा फुल्ली प्लास्टिक है, इसके अंदर रबर बेस है ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा, बट यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से ये कीबोर्ड एंड माउस बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों का वायर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, कोई झंझट नहीं है, और कनेक्शन में भी कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट OTG से कनेक्ट करो और डायरेक्ट आप गेम प्ले कर सकते हो। ऐसे यार इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, और इसका गेम प्ले भी अच्छा है, और साथ में यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं होगा। तो इससे मैंने बहुत ज़्यादा गेमिंग किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, मुझे ये 700 रुपये का पड़ा था, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ऐसी वीडियोस हमेशा पाने के लिए। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए।